हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो भी ट्रिक्स होती हैं आपके नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करती हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, आपको आती हुई चीजें भूल जाती हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है वो आपको बिल्कुल कंफर्म कर देगी कि यस इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, उसमें आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे याद रखना है। और जैसा कि आप जानते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी होती है बेटा, 9 होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए ज्यादा होती है। तो ये प्लांट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी टोटल संख्या मैंने कितनी बताई बेटा, 9। ये कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 9 होते हैं और कैसे याद रखना है इसकी बात मैं हम लोग करने वाले हैं। बच्चों अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो जैसे कि मैंने बताया इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट ग्रोथ के लिए ज्यादा होती है। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम, सी फॉर कैल्सियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम। ये टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, याद कैसे रखना है, सिंपल सी ट्रिक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट बच्चा है अपने फादर के साथ हंसी मजाक की मुद्रा में है, और देखो यहाँ पर ये जो बच्चा है अपने पापा से क्या कह रहा है। पापा ये कह रहा है, तो बच्चा है तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं, सन। तो जो सन है वो अपने पापा से कह रहा है कि पापा मुझे पीके मूवी देखना है। पीके मूवी कौन सी, वो आमिर खान वाली। सन कह रहा है अपने पापा से कि पापा मुझे पीके मूवी देखना है, और फादर इससे कह रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको पीके मूवी दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कैच करना होगा, सी ए फॉर कैल्सियम, कैच सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन। क्या कैच करना होगा तुम्हें, तुम्हें मगर को कैच करना होगा, एम जी फॉर मगर। मतलब ये जो सन है अपने पापा से कह रहे हैं पापा मुझे पीके मूवी देखना है, सन अपने पापा से कह रहे हैं मुझे पीके मूवी देखना है, और पापा उससे कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें पीके मूवी दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें कैच क्या करना होगा, तुम्हें मगर कैच करना होगा। तो अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेगा तो 9 के 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रहेंगे। सन में आ जाएगा हमारा सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन और एन फॉर नाइट्रोजन। पीके मूवी में आ जाएगा पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम, और कैच में आ जाएगा सी ए फॉर कैल्सियम, सी फॉर कार्बन और एच फॉर हाइड्रोजन, और मगर को याद रखिएगा मैग्नीशियम से। तो इस तरीके से 2 मिनट्स के अंदर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, और अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा अगर नीट एग्जामिनेशन में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो चलो बच्चों, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको ऐसी फ्री लेक्चर्स बायो के चाहिए तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय।